चपाटी। नमस्कार, मैं प्रशांत दुबे बात करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलीजेंस करी क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें कह रहा है विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहे हैं यूजिंग द सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के यूज करके रिप्रेजेंट करना है। आइए समझते हैं पहले सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन होता क्या है। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या हुआ, जो ऑर्डर वाइज उसे मैग्नीफाई करे, बड़ा करे, वो होता है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको रिप्रेजेंट करना हो, सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको रिप्रेजेंट करना है 1.5। कितना रिप्रेजेंट करना है? 1.5 को रिप्रेजेंट करना है। तो इजिली आप इसको 1.5 रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। इसमें आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर मान लिया ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। अब इसके बीच में 9 पॉइंट्स होते हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपने कर दिया ये, और 10 पॉइंट ये होता है। अब आपको रिप्रेजेंट करना है 1.5, तो आपने इजी गोइंग यहाँ पे 1.5 कर दिया, ठीक। अब दिक्कत ये आती है जब 1.5 1.6 के बीच में 2-3 डिजिट बाद तक डिजिट आपसे पूछी जाती हैं, तो वहाँ समस्या आती है। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया 3.765 रिप्रेजेंट करना है। अब अगर कहता है वो केवल 3.7, तो जैसे आपने यहाँ 1.5 दिखाया है वैसे आप 3.7 दर्शा देते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि आपसे 3.765 कह रहा है, उसके लिए आपको सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कंटिन्यू से मैग्नीफाई करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। आइए समझते हैं देखें क्या होता है। जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप डायरेक्टली एक बार में पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बेसिक तौर पर पहले आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, एंड सो ऑन से 5 हो गया। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस पॉइंट तक आपको ले जाना हो उससे एक एक्स्ट्रा ही लीजिएगा। जैसे यहाँ आपको 3.7 दिया गया है, मतलब 3 और 4 की बीच की बात करनी है, तो उसे 5 तक ले जाइए। एक जेन्युइन वे होता है, सही तरीका होता है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक बाबू। अब आपको रिप्रेजेंट करना है 3.765। तो अब अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे हम 3.765 नहीं कर सकते, इसके बीच के लाइंस आप ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपने कर दिया। तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स हो गए, अब 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ऐसे दिया गया है। आपको ड्रॉ करना है 3.7, तो इसमें जो हमें पॉइंट्स मिलेगा वो मिलेगा 3.1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो बाबू ये मिल गया 3.7, ये कितना हो गया, ये हो गया 3.7 हो गया। लेकिन एग्जैक्टली आपको 3.7 नहीं कहा गया, आपसे कहा गया 3.76, मतलब 3.7 से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन 3.8 से पहले, मतलब जो आपको इसके बीच में बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस दिख रही है, जैसे 3.7 दिखा है आपने, ये हो गया 3.8 हो गया। अब देखो इसके बीच में जो गैपिंग दिख रही है, ये जो पॉइंट दिया गया है वो इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि 3.765 आपसे रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है, और यहाँ पे 3.7 है और फिर 3.8 है। आइए थोड़ा पास से देखिए इसको। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस पॉइंट को, तो इन दोनों के बीच में आपका ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक, इन दोनों के बीच में। तो देखिए आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। बेसिक तौर पर आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है कि ये 3.7 3.8 हो गया। अब आप जब अगली लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये पूरा ड्रॉ किया आपने, यहाँ पे हो गया, एक तरफ हो गया आपका 3.7 हो गया बेटा, और एक तरफ हो गया आपका 3.8 हो गया, ठीक। ये 3.7 3.8 हो गया, इनके बीच में आप ध्यान दें तो इनके पॉइंट बीच में आपके 10 गैपिंग्स होंगे, यानी 9 पॉइंट होंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। तो आप देखो ये जो पॉइंट बन रहा है ये 3.7 है, इसके बाद का जो ये पॉइंट होगा वो होगा 3.71 होगा, ये जो पॉइंट होगा बेटा वो होगा 3.72 होगा, अगला पॉइंट 3.73 होगा। अब देखो हमें कहाँ तक ले जाना है, हमें ले जाना है 3.7 हो गया, 6 चाहिए, क्या चाहिए, 3.76 चाहिए। तो ऐसे करते करने कि हर एक स्टेप पे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 3.76 पे जाइए, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, और ये हो गया 3.76। ये कितना हो गया बेटा, 3.76 हुआ, बोलो हुआ। अब ये 3.76 है, और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो 3.77 है ना, एक पॉइंट 3.76 और इसके बाद का जस्ट पॉइंट कौन सा होगा, 3.77 होगा।
अब आपका जो पॉइंट है वो 3.765 है, यानी इस 76 और 77 के बीच का पॉइंट है। तो आपने ऐसे यहाँ ड्रॉ किया था, वैसे ही फिर आप अगला लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इन दोनों के बीच के। जैसे अभी आपने 3.7 3.8 लिया था, अब जो पॉइंट आप लेंगे वो 3.76 और 3.77 लेंगे। देखिए ध्यान से, आपने क्या कर लिया, आपने यहाँ पे ले लिया 3.76 और ये ले लिया 3.77 ले लिया, ठीक। अब इसके बीच में आप पॉइंट्स ड्रॉ कीजिए, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। अब आपको ड्रॉ करना है 3.765, तो 3.761, 3.762 और ये जो मिड का पॉइंट हो गया ये हो गया 3.765, क्लियर है, ये पॉइंट आपका हो गया। इसमें मैग्निफिकेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे उन्होंने मैग्नीफाई किया, तो आप उसको करो या ना करो वो बात की बात है, क्योंकि आप लेंस नहीं बना सकते। तो ये इसकी एंडिंग पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ सर्कल कर रखे हैं। पहला ये 3.8 हो गया, उन दोनों के बीच में 3.76 ले लिया, 3.677 ले लिया और उन दोनों के बीच में पॉइंट मिल गया 3.765, क्लियर है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ खास इसमें नहीं था इसलिए मैंने इसको आपके सामने ड्रॉ किया। मैं चाहता इसको पहले से बना देता तो आपको उतना अच्छा लेकिन समझ में नहीं आता, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, विजुलाइज 2.6 बार ऑन द नंबर लाइन बाई यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 4.26 बार कर दिया गया। देखो जैसे उसने बार डिनोट कर दिया, इसका मतलब क्या हो कि 4.26 रिपीटेशन हो रहा है, 26 का कंटिन्यू रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे आप करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत बेसिक सा काम आपको करना है कि आपको यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वो 4.2626 रिप्रेजेंट कर देना, आप ये समझना। क्योंकि देखो यहाँ पे 2626 टू टाइम हो गया, तो मतलब ये हो रहा है कि रिपीट हो रहा है, आप इसको टू टाइम रिप्रेजेंट कर देंगे तो ऑलरेडी ये समझ में आ जाएगा कि 4.26 बार की बात की जा रही है। तो वही सेम काम हमने पहले लेना है, आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया भाई, पहले ये 0 हो गया बेटा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया बेटा, और इसके बाद हम लोग फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक। बेसिक सा बात, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कर लिया हमने। अब आपको पहला पॉइंट कौन सा मिलेगा, ज़्यादा ध्यान से बताइएगा। फर्स्ट पॉइंट मिलेगा 4.2, कौन मिलेगा, 4.2 किसके बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में होगा, बताओ किसके बीच में होगा, 4 के और 5 के बीच में। भाई ये 4.1 हो गया, 4.2 हो गया, 4.3 हो गया, 4.4 हो गया, 4.5, 4.6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। भाई बेसिक सी बात है, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं कहा गया आपसे, 4.1 से स्टार्ट किया मैंने 9 तक कर लिया। अब इसको आपको जो पॉइंट डिनोट करना है वो क्या करना है, 4.2 मिला, कौन मिला, 4.2, तो ये हो गया 4. ये पॉइंट हो गया आपका 4.2 हो गया, लेकिन आपका जो पॉइंट डिनोट करना है वो 4.2 नहीं है, 4.26, फिर 26 है, तो 4.2 ये हो गया। अब इसके आगे बढ़ना है, थोड़ा सा इसके आगे बढ़ना है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट क्या है भाई, 4.3 से पहले ही रहना है, यानी जो रहना है हमें वो 4.3 से पहले ही रहना है, इन दोनों के बीच का पॉइंट है ये, तो बहुत आराम है। आप क्या करना है, अब आप नया ले लीजिए यहाँ पे लाइन, आपने नया लाइन ले लिया, ये हो गया आपका 4.2 हो गया और यहाँ पे हमने ले लिया 4.3 ले लिया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं, जो लिमिट्स यहाँ पे मिली थी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वही मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया। अब 4.2 4.3 हो गया, अब 4.2, अब यहाँ 2.6 चाहिए आपको, कौन चाहिए, 2.6। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो अब ध्यान समझिए, ये जो पहला पॉइंट 4.2 के बाद में है वो है 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 और अगला पॉइंट हो जाएगा 4.25 और इसके बाद में आपको ये जो मिलेगा, ये मिलेगा 4.26 मिला, बोलो मिला कि नहीं मिला, 4.26 हो गया और इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा वो होगा 4.27 होगा। बताओ एक पॉइंट हो गया 4.26, एक पॉइंट हो गया 4.27, तो अगर आपको देखो ये जो पॉइंट है ये 4.26 पे रुका नहीं है, ऐसा अगर रुक गया होता तो यही तो ठीक था, रुका नहीं, इसके आगे भी गया है,
इसका आगे क्या 2 6 हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी अब इन दोनों के बीच की बात है। तो अब अगला पॉइंट जो आप डिनोट करेंगे बेटा, वो ऐसे ही नोट कर दीजिएगा। देखो बच्चा, आपको अगला पॉइंट डिनोट करना है। आपने यहाँ पे अब एक ले लिया, एक पॉइंट ले लीजिएगा आप इस तरफ का, 4.26 ले लिया हमने ये वाला पॉइंट, और इसकी तरफ ले लीजिएगा 4.27 ले लिया। बताओ ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। 4.26 और 4.27 ले लिया। अब इन दोनों के बीच में लाइन प्लॉट कीजिए, वही सेम काम जैसे आप करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। तो 4.261 और 4.262 हो गया, ये तो हुआ, ये पॉइंट हो गया 4.262 हो गया, ठीक। और अगला पॉइंट जो इसके बगल वाला है, ये है 4.263 है कि नहीं, 4.262 हो गया, 4.263 हो गया। अब आप क्या करना है, 4.262 तक पहुंच चुके हैं, अब इसके बाद ये 3 नहीं होना, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच के लिए एक सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन आप ड्रॉ करेंगे। चलिए यहाँ ड्रॉ करते हैं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ ड्रॉ किया बाबू ये, तो ये हो जाएगा 4.262 हो गया बेटा, एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट 4.263 हो गया, ठीक। अब इसके बीच अगर पॉइंट्स आप प्लॉट करते हैं, तो पॉइंट प्लॉट करेंगे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब जो पॉइंट मिला 4.2621 हो गया, ऐसे करते करते ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, आगे जाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको 4.2626, ठीक, ये पॉइंट हो गया। बस इतना सा काम है, इसको ध्यान रखिए जब ड्रॉ कीजिएगा, तो ऐसे ऑर्डर में रहे, एक के बाद एक ऐसे नीचे आए, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको साइड बना दिया, क्लियर है। इसमें कुछ आपको खास ऐसा नहीं करना जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, बहुत ही आसानी एक्सरसाइज है, फर्स्ट चैप्टर की है, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बनाया है। तो इसमें आपका 4.1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जो रिव्यू हैं उसे कमेंट के माध्यम ज़रूर बताइए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस।